आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम पर एक नजर खास खबर। इस वक्त खबर जलगांव जिला के मेहुन बारा से। जलगांव जिला के मेहुन बारा में आग लगने के कारण 3 घर जलकर हुए राख। मेहुन बारा के ग्राम विकास अधिकारी तथा तलाटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया पंचनामा। पन्नास 1000 रुपये भावापासून गाडी घ्यायला घेतले होते, ते पण खास झाले आणि लग्नाचे सोनं होतं ना, ते पण 2 तोळा सोनं बघून गेलं, काही सापडलेलं नाही। मायापुरात जे काही असं प्यायचे जेवढं बी काही साधने, भांडी कुंडी कपडे वगैरे, ते पूर्ण बघून खाक झालेले आहे। आता मला सरकारकडून एवढीच अपेक्षा आहे की काही मदत वगैरे मिळायला पाहिजे। कृष्ण नामदेव कोळी पूर्ण सर्व नुकसान झाले माझी, आम्ही कमावणार, आम्ही लहान लहान पोरं आहेत माझे, काहीच राहिले की सर्व जाऊन गेले, ओरिजिनल डॉक्युमेंट मी जाऊन गेलं, सर्व रेशन कार्ड जाऊन गेलं, सर्व काहीच राहिलं नाही। मी अपंग आहे तर मला काहीच सरकारकडून काही मिळालं नाही, तर काहीतरी मिळायला पाहिजे, माझं काहीच राहिलं नाही। इथे घरकुल मंजूर आहे, ते सुद्धा झालं नाही आणि पैसे। जलगाव जिला के रावेर शहर में परवाज फाउंडेशन तथा अल हिकमत फाउंडेशन की ओर से किया गया हिजामा कैंप का आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस हिजामा कैंप में महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर वकार अहमद, शेख हुसनुद्दीन, शेख जाकिर, नासिर शेख, मुजफ्फर अली आदि प्रमुख रूप से रहे उपस्थित। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ एनी टाइम।